JK24 से जुड़ चुकी हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। इस समय की बेहद ही दुखद समाचार, कमेंट सेक्शन पर ओम शांति जरूर लिखेगा। बैटरी चश्मा के पास एक सड़क हादसा पेश आया है, बेहद ही दर्दनाक ये सड़क हादसा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जहां पर SHO रामबन साथ ही साथ KORT टीम और DRF टीम जो है वो मौके पर है, रेस्क्यू किया जा रहा है और गहरी खाई में ये गाड़ी जो है वो जा गिरी है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो गहरी खाई है। एक और बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, 300 मीटर गहरी खाई में जो है वो गाड़ी जा गिरी है। तवेरा ये गाड़ी है, तकरीबन रात के 1:30 बजे के करीब ये गाड़ी जो है वो गहरी खाई में जा गिरी है, जहां पर जम्मू से कश्मीर की ओर ये गाड़ी जा रही थी। और इस समय SHO रामबन मौके पर मौजूद है, KORT टीम मौके पर मौजूद है, DRF टीम मौके पर मौजूद है और पूरी तरीके से रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेहद ही दुखद समाचार है, जहां पर 10 के करीब जो है वो लोगों की मौत हो चुकी है। 10 के करीब लोगों ने इस सड़क हादसे में अपनी जान गंवा दी, बेहद ही दुखद समाचार है। ये गहरी खाई आप देखिए, तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये वो गहरी खाई है जहां पर गाड़ी 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। आप देखिए कि कितनी ये गहरी खाई है और ये गाड़ी सड़क से जो है वो 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है, जहां पर 10 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि जम्मू से जो है कश्मीर घाटी की ओर तवेरा गाड़ी जा रही थी और देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर 10 के करीब लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। बेहद ही दुखद समाचार है, ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। नाम आपको बता दूं, नाम क्या कुछ सामने आया उसकी जानकारी भी आपके समक्ष रखेंगे। नाम जो है वो सामने आया है, देखिए समय रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, रेस्क्यू किया जा रहा है और करीबन 10 के करीब लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है इस सड़क हादसे में, जो कि बेहद ही दुखद समाचार है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह सड़क हादसा पेश आया है। कमेंट सेक्शन पर ओम शांति जरूर लिखेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बैटरी चश्मा में यह सड़क हादसा जो है वो पेश आया है, जहां पर 10 के करीब लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है और इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। जम्मू से कश्मीर की तरफ ये गाड़ी जा रही थी, तवेरा ये गाड़ी है और तकरीबन 1:30 बजे के करीब, यानी कि रात के 1:30 बजे के करीब ये सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर बारिश भी जो है वो रात के समय देखने को मिल रही थी और अभी भी बारिश वहां पर पड़ रही है। और तकरीबन मैं आपको बता दूं कि शव को जो है, यानी कि 8 से 9 के करीब शव को जो है वो रिकवर किया गया है, जो कि बेहद ही दुखद समाचार है। नाम क्या कुछ सामने आए हैं वो भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन आप ये साफ तौर पर ये गहरी खाई आप देख सकते हैं, ये वो गहरी खाई है जहां पर गाड़ी जो है वो जा गिरी है, जो कि बेहद ही दुखद है। और इसमें जो पैसेंजर सवार थे, जो लोग सवार थे, उनकी जो है वो मौत हो चुकी है, जो कि 10 के करीब लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है, जो कि बेहद ही दुखद समाचार है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर 8 से 9 के करीब जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया गया है, यानी कि माफ कीजिएगा, शव को जो है वो रिकवर किया गया है। बेहद ही दुखद समाचार है, ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। नाम क्या कुछ है, नाम मैं आपको बता दूं, जो नाम सामने आए हैं वो नाम क्या कुछ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्राइवर बलवान सिंह, जो कि सन ऑफ पूरव सिंह आरओ अंब गड़ोत्रा जम्मू का ये रहने वाला है और इसकी उम्र जो है वो 47 ईयर बताई जा रही है। उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति का नाम सामने आया है, विपन मुखैया, जो कि सन ऑफ विश्वनाथ, जो कि रेजिडेंट इसका जो है वो चंपर वेस्ट चंपर बिहार बताया जा रहा है। ये दो नाम जो है वो सामने आए हैं, यानी कि 10 के करीब जो लोग इसमें सवार थे, जो पैसेंजर इस गाड़ी में सवार थे, तवेरा ये गाड़ी थी जो कि सड़क हादसे का शिकार हुई है। बेहद ही दुखद समाचार है, जहां पर ये गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी है और तवेरा ये गाड़ी है, लगभग 1:30 बजे के करीब जो है ये सड़क हादसा पेश आया है, बेहद ही दुखद समाचार है। कमेंट सेक्शन पर ओम शांति जरूर लिखेगा। जम्मू से कश्मीर की तरफ ये गाड़ी जा रही थी, पैसेंजर को लेकर ये गाड़ी थी और 300 मीटर गहरी खाई में जो है वो गाड़ी जा गिरी है, जहां पर 10 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। दो नाम सामने आए हैं, यानी कि ड्राइवर एक बलवान सिंह है और एक विपन मुखैया है, जो कि चंपरान बिहार का रहने वाला है और ड्राइवर बलवान सिंह जो कि जम्मू का रहने वाला है। ये दो नाम जो है वो सामने आए हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर SHO रामबन के ORT टीम DRF टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। बारिश का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है और बेहद ही दुखद समाचार है जिस प्रकार से ये सड़क हादसा पेश आया है। कमेंट सेक्शन पर ओम शांति जरूर लिखेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।